मैं आपको इक्वेशन देती हूँ, आप मुझे बैलेंस करके बताएंगे। आपके पास में है एम जी ओ एच होल ट्वाइस प्लस एच सी एल गिव्स एम जी सी एल टू प्लस एच टू। साथ साथ बताएंगे। पलक साथ साथ बताओगे, साथ साथ करें। बेटा माइक ऑफ करो, बहुत बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप अपनी कॉपी में करें, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप चेक कीजिएगा आपने सही किया है क्या। देखो हम देखेंगे रिएक्टेंट, हमारे पास रिएक्टेंट में आपके पास में क्या है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और साथ ही आपके पास क्लोरीन है। चार एलिमेंट है आपके पास में, एम जी ओ एच और सी एल। सेम फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में भी यही चार है आपके पास, एम जी ओ एच एंड सी एल। अब देखो एम जी कितना है रिएक्टेंट में, एम जी कितना है, वन। ऑक्सीजन क्योंकि होल ब्रैकेट टू है हमारे पास में, तो टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन दो हो गए भाई हमारे पास। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दो यहाँ पे हैं आपके पास और एक यहाँ पे है, तो ये हो गए तीन। क्लोरीन कितना हो गया आपके पास में, एक। यहाँ देखें एम जी कितना आपके पास में, एक। ऑक्सीजन एक ही है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपके पास दो। क्लोरीन कितने आपके पास में, दो, राइट। अब करें अगर हम बैलेंसिंग, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई क्या क्या चीजें आपके पास में बैलेंस्ड है। तो बैलेंस क्या क्या है आपके पास में भाई, मैग्नीशियम आपके पास बैलेंस्ड है, सिर्फ मैग्नीशियम आपके पास बैलेंस है। तो पहले या तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो या फिर आप क्लोरीन को बैलेंस कर लो। मैं पहले क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। तो जब आपने क्लोरीन को बैलेंस करना है, तो रिएक्टेंट साइड में लेस है, कितना लेस है, एक लेस है, तो रिएक्टेंट में हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इट बिकम्स एम जी ओ एच होल ट्वाइस, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो टू एच सी एल। दिस गिव्स एम जी सी एल टू प्लस एच टू, राइट। अब फिर से देखेंगे भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमारे पास कितने रिएक्टेंट है भाई, कितने प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में आपके पास एम जी ओ एच और सी एल है, यहाँ पे भी आपके पास प्रोडक्ट में एम जी ओ एच सी एल है। रिएक्टेंट में एम जी तो रहा एक ही, कुछ नहीं किया हमने इसके साथ। ऑक्सीजन आपके पास में हो गया दो। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, दो और दो चार हो गए, क्लोरीन हो गए दो। प्रोडक्ट में आएंगे एम जी आपके पास में एक ही है, ऑक्सीजन आपके पास में एक है, हाइड्रोजन हो गए दो, क्लोरीन हो गए आपके पास में दो। तो भाई क्लोरीन बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस था आपके पास में। अब क्या करना है आपको, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस करना है आपको। तो अगर आप देखो, अगर आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो, जो आप जल्दबाजी में करोगे, तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो आप यहाँ पे जो है वो किससे मल्टीप्लाई करोगे, टू से, है कि नहीं। यस और नो, यस नो तो बोल बच्चा, समझ में आया तुझे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ऑक्सीजन को हमने टू से मल्टीप्लाई किया। अब जब आपने ऑक्सीजन को टू से मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम्स एम जी ओ एच होल ट्वाइस प्लस टू एच सी एल गिव्स, ये हो जाएगा आपके पास एम जी सी एल टू प्लस टू से मल्टीप्लाई किया टू एच टू। अब फिर से रिएक्टेंट देखिए क्या है आपके पास में और प्रोडक्ट देखिए क्या है आपके पास में। तो रिएक्टेंट में आपके पास है एम जी ओ एच और सी एल। एम जी कितना है भाई, एक ही है। ऑक्सीजन कितने हैं, दो। हाइड्रोजन कितने हैं, दो और दो चार। क्लोरीन कितने हैं, दो। इधर देख, इधर भी सेम एलिमेंट्स है, एम जी ओ एच और सी एल। एम जी कितना है, एक। ओ कितना है, दो। हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, दो, तो टू टू ज़ा फोर, तो चार हो गए। क्लोरीन कितने हैं, दो। हो गई बैलेंस हमारे पास में, यस और नो। हाँ तो हो गई हमारे पास में बैलेंस। तो फाइनल बैलेंस रिएक्शन क्या है आपकी, एम जी ओ एच होल ट्वाइस प्लस एच सी एल गिव्स एम जी सी एल टू
प्लस एच टू ओ, राइट। चलिए बहुत अच्छे। अगला करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। मैं आपको रिएक्शन दे रही हूँ। रिएक्शन इज एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस एच टू। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप अपने आप से करें, फिर मैं करके दिखाती हूँ, चेक कीजिएगा सही किया है कि गलत। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले आप यही बनाएंगे भाई रिएक्टेंट क्या है आपके पास में और प्रोडक्ट क्या है। तो तीन रिएक्टेंट, तीन एलिमेंट्स रिएक्टेंट में हैं, तीन आपके पास प्रोडक्ट में सेम है। तो एल्यूमिनियम एक, हाइड्रोजन का एक एक ही है, क्लोरीन भी आपके पास एक ही। सेम यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम एक है बट क्लोरीन यहाँ पे आपके पास में है तीन और हाइड्रोजन आपके पास में है दो। तो भाई सबसे पहले बैलेंस किसको करें, भाई सबसे पहले हम बैलेंस कर लेते हैं क्लोरीन को, बैलेंस कर लेते हैं नंबर है ना, फिर ऑड को बैलेंस करने में दिक्कत होती है, तो पहले हम ऑड को ही बैलेंस कर लेते हैं। तो आपने जो है वो क्लोरीन को किया, क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, किस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे, जिस साइड पे लेस होता है हमेशा उस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो ये हो गया आपके पास एल्यूमिनियम प्लस 3HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। एल्यूमिनियम प्लस 3HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। ये बैलेंस किया हमने। अब फिर से देखते हैं भाई रिएक्टेंट में क्या क्या है और आपके पास प्रोडक्ट में कितना कितना हो गया। एल्यूमिनियम तो उतना ही रहा, एक हाइड्रोजन की वैल्यू हो गई भाई तीन, यहाँ पे नीचे वन है, 3 1 3। क्लोरीन हो गया आपके पास में, यहाँ पे एल्यूमिनियम आपके पास में एक ही, यहाँ हमने कुछ किया ही नहीं तो यहाँ तो सेम ही रहा, हाइड्रोजन दो और क्लोरीन हो गया। अब किसको बैलेंस करना करना है, तो यहाँ देखो हमारे पास में ये है दो आपके पास और आपको चाहिए तीन। मुश्किल है क्योंकि दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो रैंडम करते इसको हमने 2 3 6 6 से किया तो इक्वेशन बन गया 2Al प्लस 3HCl गिव्स AlCl3 प्लस 3H2। तब रिएक्टेंट कितना हो गया आपके पास में, रिएक्टेंट इस बार एल्यूमिनियम एक का एक ही रहा, हाइड्रोजन हो गए तीन, क्लोरीन हो गए आपके पास तीन। पर अगर आप प्रोडक्ट साइड देखिए तो प्रोडक्ट में आपके पास एल्यूमिनियम एक है, क्लोरीन आपके पास में रहा, हाइड्रोजन हो गया आपके पास में 6, राइट। हाइड्रोजन हो गया आपके पास में 6। भाई अब क्या किया जाए, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से करें, 2 से करेंगे तो आपका रिएक्शन क्या हो जाता है, रिएक्शन बिकम्स Al प्लस, अब देखो 2 से करेंगे 2 3 6, ये हो गया 6HCl गिव्स AlCl3 प्लस 3H2। भाई एल्यूमिनियम हो गया आपके पास में एक, हाइड्रोजन है 6, क्लोरीन है आपके पास में अब 6, यहाँ पे एल्यूमिनियम एक ही है, क्लोरीन आपके पास में 3 है और हाइड्रोजन अब 6। अब किस क्लोरीन को कितना करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब आप क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में अब चेंज आ गया प्रोडक्ट में और ये हो गया 2AlCl3 प्लस 3H2। मतलब रिएक्शन क्या हो गई, एल्यूमिनियम प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2। फिर से देखिए रिएक्टेंट आपके पास में क्या क्या है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। प्रोडक्ट में आपके पास में क्या क्या है भाई, प्रोडक्ट में आपके पास में एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। एल्यूमिनियम कितना है भाई 2, क्लोरीन कितना है 2 3 6,
हाइड्रोजन कितना है, 3 2 6। नाउ क्लोरीन कितना इस साइड है, इस साइड 6 6। हाइड्रोजन कितना है, 6। क्या कमी है, एल्यूमिनियम की कमी है। क्या करेंगे बराबर करने के लिए, एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ दिस बिकम्स 2Al+6HCl गिव्स 2AlCl3+3H। अब देखो आप टेबल बना के फिर से चेक कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। देखो 2 एल्यूमिनियम मतलब 2 है, इधर भी 2 ही एल्यूमिनियम है। हाइड्रोजन 3 6, 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन, 2 3 6, 6 क्लोरीन। तो नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। चेक कीजिए क्या आपका भी यही आया है। चलिए, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। मैं आपको दूसरा इक्वेशन दे रही हूं। अब इट्स NH3+O2 गिव्स NO+H2O। ट्राई टू बैलेंस दिस। NH3+O2 गिव्स NO+H2O। करेंगे तो पहले हम यही करेंगे, नया पेज ले लेते हैं। NH3+O2 गिव्स NO+H2। NO+H2 सबसे पहले काम क्या है भाई, पहला काम है आपको देखना है भी रिएक्टेंट कितने आपके पास में, रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट में कौन कौन से आपके पास में एलिमेंट्स हैं। तो रिएक्टेंट में आप देखो आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में भी यही 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास में, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने भी रिएक्टेंट में, 1। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2। नाइट्रोजन कितना है प्रोडक्ट में, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन देखो कितने हैं आपके पास में, 2। अच्छा सॉरी, मैंने NH3 दिया है, मैं सोचू बैलेंस कैसे हो गया। NH3, हाइड्रोजन है 3 यहाँ पे। तो भाई नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, व्हाट यू हैव टू बैलेंस, आपको जो है वो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, क्योंकि 2 और 3 एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी, NH3+O2 गिव्स NO+3 2 6, मतलब 3H2O। अब फिर से देखो भाई रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, नाइट्रोजन तो एक का एक ही रहा, रिएक्टेंट में सब एलिमेंट्स उतने ही रहेंगे क्योंकि हमने रिएक्टेंट में कोई चेंज नहीं किया। भाई प्रोडक्ट में चेंज आ गया, नाइट्रोजन एक हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए अब आपके पास में, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 3 1 3, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, टोटल ऑक्सीजन हो गए 4। और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6, ये हो गया। अब पहले क्या करो, पहले बैलेंस कर लेते हैं भाई, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन अलोन है, मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो किसी और पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो 2 से किया मैंने इसको, या पहले एक काम करो, पहले आप हाइड्रोजन को ही कर लो, इसको 2 से कर देते हैं। तो यह आ जाएगा आपके पास में 2NH3+O2 गिव्स NO+3H2O। तो यह आ गया रिएक्टेंट और यह आ गया आपके पास प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितना है, 2। हाइड्रोजन कितना है, 6। ऑक्सीजन कितना है, 2। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है आपके पास में यहाँ पे, ऑक्सीजन इज 1 4। और हाइड्रोजन कितना है आपके पास में, 6। अच्छा मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, कोशिश क्या करो कि आप इनको जो है वो सामने सामने लिखो, सामने सामने लिखोगे तो उससे गड़बड़ होने के चांस कम होते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या आ गया, हमारे पास में
ये आ गया आपके पास में कि रिएक्टेंट कितने आ गए इसके पास में. हमारे पास बैलेंस हो गया, ये बैलेंस है. नाइट्रोजन को बैलेंस करना है. इधर नाइट्रोजन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. अब मैंने नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 2NH3+O2 गिव्स 2NO+3H2. अब क्यों मैंने पहले ऑक्सीजन बैलेंस नहीं किया ये समझ लो. यहाँ पे नाइट्रोजन है 2, हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन है 2. यहाँ पे नाइट्रोजन अब हो गया आपके पास में 2, हाइड्रोजन है आपके पास 6, ऑक्सीजन कितना हो गया देखा, 2 1 2 और 3 1 3, तो 3+2 5. अब मैंने इसलिए नहीं इसको मल्टीप्लाई किया पहले, क्योंकि अगर मैं पहले मल्टीप्लाई कर देती तो यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन का इम्बैलेंस होना था, फिर से इम्बैलेंस होता और मुझे इसको सॉल्व करने में फिर दिक्कत आती. अब अच्छा एक चीज देखो, अब यहाँ पे आपके पास सिंगल एलिमेंट को बैलेंस करना है ना, तो जरूरी नहीं है आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करो. आप जो है वो फ्रैक्शनल से मल्टीप्लाई कर सकते हो. जैसे मुझे कितने चाहिए, 5 चाहिए और मेरे पास 2 है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5/2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये ऑक्सीजन 5 हो जाएगा, है कि नहीं. ये आपको अच्छे हैं. तो मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई करने है, 3+5/2O2 गिव्स 2NO+3H2O. अब देखो इसके बाद में एक थोड़ा सा 2-3 स्टेप कम करने का स्टेप बता रही हूं मैं आपको. 5/2O2 गिव्स 2NO+3H2O. अब देखो ये 5/2 है ना, मान लो आपको फ्रैक्शन में से 2 हटाना है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4NH3+5O2 गिव्स 2 2 4 हो जाएगा 4NO+3 2 6 6H2O. अब जरा देखो कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बैलेंस्ड है. तो यहाँ पे रिएक्टेंट में नाइट्रोजन है 4, हाइड्रोजन 4 3 12, ऑक्सीजन 5 2 10. प्रोडक्ट में नाइट्रोजन है 4, हाइड्रोजन 6 2 12 और ऑक्सीजन इधर है 4 और इधर है 6, मिला के हो गया 10. हो गई ना बैलेंस, है कि नहीं. हाँ पर ये कब करना है, फ्रैक्शन से तभी मल्टीप्लाई करो जब आपके पास में सिंगल एलिमेंट हो, कोई मॉलिक्यूल ना हो. ऐसे आपके पास सिंगल एलिमेंट है, O2 है, Cl2 है, H2O है, सॉरी H2 है, H2 पास में. चलिए तो आगे करते हैं. स्टेटमेंट वाली रिएक्शन दे रही हूँ दो एक आपको. कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. पहले इसके लिए आप स्केलेटल इक्वेशन लिखिए और उसके बाद में आप मुझे इसका बैलेंस करके बताएंगे. आपको मैं दे रही हूँ 2 मिनट, जल्दी से देखिए. कैल्शियम फॉर्मूला बनाना पहले भी सिखाया हुआ है, दोबारा बता देती हूँ. कैल्शियम मतलब सिंबल इसका Ca होता है हमारे पास में, और इसकी वैलेंसी होती है आपके पास में 2, तो Ca2+ होता है. हाइड्रोक्साइड इज हाइड्रोक्सिल आयन, OH-, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी आपके पास में 1. क्रॉस करेंगे, फॉर्मूला बन गया CaOH होल ट्वाइस. कार्बन डाइऑक्साइड का तो भाई फॉर्मूला पता ही है सबको, CO2 होता है हमारे पास में. अगेन कैल्शियम कार्बोनेट आ गया आपके पास में. कैल्शियम इज Ca2+, कार्बोनेट इज CaCO3 2-. तो ये क्या हो गया आपके पास में, इसकी वैलेंसी आ गई आपके पास में 2, इसकी भी 2 है, क्रॉस किया हमारे पास में, तो Ca2CO3 होल ट्वाइस. सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो गया CaCO3.
तो रिएक्शन हो गई CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस वाटर है तो H2। अब देखो क्या ये बैलेंस है, कैल्शियम एक है इधर एक है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे ऑक्सीजन दो, मतलब चार ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे कितने, तीन और एक चार हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। इधर भी हाइड्रोजन कितना है, दो। इसका मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब देखो जिंक क्या है आपके पास, जिंक होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट Ag, अगेन Ag2+ NO32- करेंगे तो आ जाएगा AgNO3, गिव्स जिंक नाइट्रेट Zn NO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag। अब देखो यहाँ पे बैलेंसिंग करते हैं रिएक्टेंट में, देखो रिएक्टेंट में क्या क्या आपके पास, जिंक है Zn, सिल्वर आपके पास Ag, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन, जिंक कितना है एक, Ag सिल्वर कितना है एक, नाइट्रोजन कितना है एक, ऑक्सीजन है भाई तीन हमारे पास में, ठीक है। ऐसे आप प्रोडक्ट देखो, एक मिनट आगे देखो। अब ये हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट में देखिए आप, प्रोडक्ट में क्या आपके पास में, जिंक है आपके पास एन, नाइट्रोजन Ag, सिल्वर, साथ साथ लिखा करो ताकि गड़बड़ होने के चांस कम हो। जिंक कितना है एक, Ag सिल्वर एक, नाइट्रोजन कितना हो गया, होल ट्वाइस है तो नाइट्रोजन है आपके पास में दो, ऑक्सीजन होल का हो जाएगा 2, 3 जा 6, तो ये हो गए 6 आपके पास में। क्या करेंगे हम, बैलेंस करेंगे। सबसे पहले तो जिंक बैलेंस्ड है ऑलरेडी, सिल्वर बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट साइड मैंने नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया। जहां नहीं समझ में आया बेटा वहां पूछ लेना। रिएक्टेंट साइड मैंने क्या किया, मैंने इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा आपके पास में Zn प्लस 2AgNO3 गिव्स Zn NO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। अगेन बैलेंस करिए, रिएक्टेंट है आपके पास, प्रोडक्ट है आपके पास, यहाँ है आपके पास जिंक सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जिंक एक ही रहा। जब मैंने AgNO3 को 2 से किया तो मेरा सिल्वर Ag हो गया 2, नाइट्रोजन हो गया आपके पास में ये भी हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 6। प्रोडक्ट में देखें, प्रोडक्ट में जिंक एक ही रहा आपके पास में, नाइट्रोजन आपके पास में है 2, ऑक्सीजन आपके पास में है 2, 3 जा 6, 6, और Ag आपके पास में कितना है 1। तो सब कुछ बैलेंस है हमारा, एक चीज है जो बैलेंस नहीं है वो है Ag सिल्वर। क्या कर सिल्वर को करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, राइट। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है आपके पास Zn प्लस 2AgNO3 गिव्स Zn NO3 होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ Ag। ये हो गई आपके पास में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए बेटा यहां तक कोई डाउट है क्या? अगला देखिए, देखो पोटेशियम, पोटेशियम प्लस वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखो पोटेशियम क्या है, पोटेशियम है आपके पास में के, वाटर मतलब H2O, गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम होता है के प्लस हाइड्रोक्साइड OH- अभी आपको बताया, तो ये हो जाएगा KOH प्लस हाइड्रोजन।
बैलेंस करेंगे, देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट करेंगे, पहले रिएक्टेंट में एलिमेंट है के, एच और ओ। के कितना है? एक। एच कितना है? दो। हाइड्रोजन कितना है? एक, सॉरी ऑक्सीजन कितना है? एक। अगेन के एच ओ। पोटेशियम कितना है? एक। ऑक्सीजन कितना है? एक। हाइड्रोजन कितना है? तीन। अब देखो पोटेशियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, आपको बैलेंस किसको करना है? आपको बैलेंस करना है भाई हाइड्रोजन को। पर अगेन हमारे पास टू और थ्री है, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, क्या करते हैं? इसको थ्री से कर दो, इसको थ्री से कर दो, या टू टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा आपके पास में। तो एक काम करो, टू से कर देते हैं, तो ये आ जाएगा के प्लस टू एच टू ओ गिव्स के ओ एच प्लस एच टू। रिएक्टेंट देखें आप, प्रोडक्ट देखें आप, रिएक्टेंट पोटेशियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पोटेशियम कितना है? एक। हाइड्रोजन चार। ऑक्सीजन कितना है? एक। पोटेशियम एक, हाइड्रोजन तीन रहा आपके पास में, ऑक्सीजन हो गया एक। नहीं, यहाँ पे क्या हो गया? टू टू ज़ा फोर हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया टू, ऑक्सीजन हो गया आपके पास में टू। अब क्या करेंगे हम? ये ऑक्सीजन को करते हैं, ऑक्सीजन को करेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टू प्लस टू एच टू ओ, सॉरी के प्लस टू एच टू ओ गिव्स, टू से मल्टीप्लाई किया, टू के ओ एच प्लस एच टू, राइट। अब देखो क्या हो गया आपके पास? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपके पास में पोटेशियम कितना है? एक है आपके पास में। हाइड्रोजन कितना है? चार। ऑक्सीजन कितना हो गया? दो। इधर आ जाइए, अब इधर पोटेशियम हो गया आपके पास में दो, ऑक्सीजन हो गया आपके पास में दो, हाइड्रोजन हो गया आपके पास में चार, राइट। क्या इम्बैलेंस है आपके पास में भाई? पोटेशियम इम्बैलेंस है। पोटेशियम ऐसे भी अलोन एलिमेंट है, फटाफट टू से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया आपके पास इक्वेशन, टू के प्लस टू एच टू ओ गिव्स टू के ओ एच प्लस एच टू। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया।